आपका मोबाइल फ़ोन खो गया है या चोरी हो गया है तो आप उसे खुद से ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन को कोई भी यूज़ नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सारा काम आप खुद से ही घर बैठे कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इस वीडियो में हम आपको लाइव दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक करने से पहले आपको दो काम कर लेने हैं। एक तो आपका जब मोबाइल फ़ोन खोया था उस समय उसमें जो भी सिम कार्ड लगा था उस सिम कार्ड का डुप्लीकेट कॉपी आपको निकलवा लेना है, क्योंकि उस सिम कार्ड पर एक OTP आएगा जो आपको अपने फ़ोन को ब्लॉक करते समय आपको फिल करना होगा। और दूसरा काम आपको कराना है कि आपका जो फोन खो गया है उसका एक पुलिस कंप्लेन आपको कराना होगा। दोस्तों, पुलिस कंप्लेन आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नजदीकी थाने में भी जाकर पुलिस कंप्लेन करा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको अपने फोन को ब्लॉक करने से पहले एक पुलिस कंप्लेन की भी जरूरत पड़ने वाली है। आपको किसी भी मोबाइल फोन पर एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन हो जाने के बाद आपको सर्च बार में जाना है और टाइप कर लेना है CEIR.gov.in। इतना लिख के आप सर्च करेंगे, इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं भारत सरकार का जो सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट का लिंक दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, तो यहां पर आप देख सकते हैं ब्लॉक स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल। तो इसके लिए आपको यहां पर क्लिक कर देना है। यहां पर क्लिक कर देने के बाद आपका जो कुछ इंटरफेस है इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर ब्लॉकिंग या लॉस्ट या स्टोलन मोबाइल। इसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल फोन की कुछ इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको देनी होगी। जैसे कि आपके फोन में अगर डबल नंबर पड़ा होगा तो आपको यहां पर पहला नंबर इसमें आपको एंटर कर देना होगा, उसके बाद दूसरा मोबाइल नंबर यहां पर आपको फिल कर देना होगा, उसके बाद IMEI नंबर को आपको यहां पर फिल करना होगा, और सेकंड अगर सिम पड़ी थी तो सेकंड वाला IMEI नंबर आपको यहां पर फिल कर देना होगा। इसके बाद आपको अपने मोबाइल फोन का जो ब्रांड है वो यहां पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर डिवाइस का मॉडल फिल करना होगा, और उसका अगर आपका कोई बिल था आपके पास उसको आपको यहां पर अपलोड कर देना है अगर आपके पास अवेलेबल है तो। इसके बाद लॉस्ट इंफॉर्मेशन, आपका फोन कहां खोया था उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देनी होगी। आपका फोन किस जगह पे खोया था वो आपको यहां पर फिल करना होगा। किस डेट में खोया था वो डेट आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपका किस स्टेट में खोया था उस स्टेट को आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट को सिलेक्ट कर लेने के बाद यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद सिलेक्ट पुलिस स्टेशन, उस पुलिस स्टेशन को आप सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर आपका जो फोन है वो खोया था। इसके बाद आप नीचे की तरफ देखेंगे तो पुलिस कंप्लेंट नंबर, आपका जो फोन खोया था उसके लिए आपने अगर पुलिस कंप्लेंट कर दी है तो आप पुलिस कंप्लेंट करने के लिए या तो अपने जो थाना है उस थाने में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, या आप खुद से ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। उसके बाद वहां पर आपको एक पुलिस कंप्लेंट जो नंबर मिलता है उस नंबर को यहां पर फिल कर लेना है। नंबर फिल करने के बाद जो कंप्लेंट की जो कॉपी है उसको यहां पर आपको अपलोड कर देना है। अगर एक से अधिक कॉपी है तो एड मोर कंप्लेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उस कॉपी को भी यहां पर अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो मोबाइल ऑनर है उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको देनी पड़ेगी। इसके लिए आपको ऑनर का जो नाम है यहां पर आपको फिल करना होगा, उसके बाद ऑनर का जो एड्रेस है उसको फिल करना होगा, इसके बाद आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करना होगा। उसके लिए आप आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अदर भी आइडेंटिटी यहां पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहां पर आपको अपना आधार कार्ड अगर सिलेक्ट किया है तो आधार कार्ड की जो कॉपी है वो आपको यहां पर अपलोड कर देना है। इसके बाद यहां पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा। इसके बाद यहां पर आपको अपनी एक ईमेल आईडी भी एंटर करनी पड़ेगी। उसके बाद जो कैप्चा कोड यहां पर आपको दिया होगा उस कैप्चा को यहां पर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद यहां पर उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जो मोबाइल नंबर आपके फ़ोन में पड़ा हुआ था जब आपका फ़ोन खोया था। तो आपका जो फ़ोन खोया था उसमें जो मोबाइल नंबर पड़ा था उस मोबाइल नंबर को आपको निकलवा लेना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद गेट OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर जो डिक्लेरेशन है इस पर आपको एक्सेप्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट वाले जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। इतना कर लेने के बाद आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद अगर आपका फ़ोन मिल जाता है तो फ़ोन मिल जाने के बाद आप उस फ़ोन को कैसे अनब्लॉक करेंगे उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं। फिर से नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर मिल जाएगा अनब्लॉक फाउंड मोबाइल। अगर आपका फोन मिल गया है और आपने फोन ब्लॉक कर दिया था तो आप उसे कैसे अनब्लॉक करेंगे उसके लिए आपको यहां पर रिक्वेस्ट फॉर अनब्लॉकिंग रिकवर फाउंड मोबाइल। तो यहां पर जो रिक्वेस्ट आईडी मिली थी आपने अपना फोन ब्लॉक किया होगा तो उस रिक्वेस्ट आईडी को आपको नोट कर लेना है। फोन मिल जाने के बाद उस आईडी को यहां पर आपको एंटर कर लेना है। उसके बाद जिस मोबाइल नंबर को डालकर आपने अपना जो फोन ब्लॉक कराया था उसी मोबाइल नंबर को आपको फिर से यहां पर एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद रीजन फॉर अनब्लॉकिंग, अब आप अपने फोन को अनब्लॉक क्यों कराना चाहते हैं वो रीजन आपको सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो कैप्चा कोड है उसको फिल कर लेना। नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है इसको वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल फोन है वो अनब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आप अपने फोन को यूज कर पाएंगे। दोस्तों आपने अपना फोन ब्लॉक किया है उसका आप स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो रिक्वेस्ट आईडी है उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देने के बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका फोन ब्लॉक है या अनब्लॉक है वो स्टेटस में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।